डिडवाना नगर पालिका पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और धांधली के आरोप आए दिन लगते हैं। इसके बावजूद नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला आज भी सामने आया, जिसमें नगर पालिका ने एक ऐसे काम के लिए करीब 5 लाख रुपए का एक टेंडर जारी कर दिया, जो काम पहले से ही पूरा हो चुका है। डिडवाना नगर पालिका द्वारा मंडा बासनी स्थित मॉडल स्कूल में निर्मित बास्केटबॉल मैदान में रिंग रोड, रिंग बोर्ड, लाइनिंग व कलर तथा सुभाष सर्कल पर पेंट कलर का कार्य के लिए टेंडर जारी किया गया, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। उक्त कार्य को पूरा करने की समय अवधि 2 महीने तक तय कर ली गई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस मॉडल स्कूल के बास्केटबॉल मैदान में रिंग बोर्ड हेतु यह निविदा जारी की गई है, ये काम बहुत पहले हो चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर काम पूरा नहीं हो चुका है तो उसका टेंडर क्यों जारी किया गया है। इसको लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका जवाब नगर पालिका द्वारा दिया जाना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई मामला मेरे ध्यान में नहीं आया। एक कोई बोर्ड की बात थी बास्केटबॉल का, तो इसको किसी निजी व्यक्ति ने एक बार ऐसे लगा दिया था। कोई बच्चे डिमांड कर रहे थे खेलने के लिए और उन्होंने वापस हटाने की बात कही। नगर पालिका को भी वो काम करना था, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप इसको नगर पालिका से कराइए, इसलिए हमने टेंडर लगाया है। और जो पूर्व में जो लगा हुआ है उसको कोई जो निजी व्यक्ति जिसने भी लगाया है वो हटा लेगा उसको। निजी व्यक्ति द्वारा तो दान किया होगा? नहीं, दान नहीं किया। उन्होंने कोई उन्होंने प्रतियोगिता आयोजित करनी थी, उसके लिए उनको तत्काल की आवश्यकता थी, वो हम कर नहीं सकते थे इसलिए।